अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शायन फैसल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारे साथ इसका डिफिनीशन है दर्ज हरारत का वो मोल जिसमें एक दर्ज हरारत का 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाए, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी के साथ हीट टाइप्स भी हीट कैपेसिटी के हैं, जनरल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरल हीट कैपेसिटी हमारे साथ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री सी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये हीट जो है ना, ये हीट रिक्वायर्ड है इसमें, और 1 मोल का सब्सटेंस है ना 1 डिग्री में। और तीसरा हमारे साथ मोलर हीट कैपेसिटी, ये वो हीट कैपेसिटी है जिसमें 1 ग्राम सब्सटेंस जो है ना 1 मोल में कन्वर्ट होता है, इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ए ब्रो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक दबाएं। और टॉपिक के लिए हम आते हैं। हीट कैपेसिटी हमारे साथ मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू ऑब्जर्व हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और हमारे साथ सिस्टम जो है ना वो हीट ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन हमारे साथ दर्ज हरारत का वो मोल जिसमें एक दर्ज हरारत का वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, और बस सब्सटेंस जो है ना वो ज़्यादा हीट कैपेसिटी ऑब्जर्व करता है। और टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, जनरल हीट कैपेसिटी ये सिस्टम ऑब्जर्व करता है, इसमें हमारे साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री सी, यानी टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होता है 1 डिग्री सी में। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वो हीट कैपेसिटी है जिसमें 1 ग्राम सब्सटेंस जो है ना 1 डिग्री में कन्वर्ट होता है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये सी ये कैपेसिटी है, और ये स्पेसिफिक हीट है। सी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम ज़रबे डेल्टा टी, और यूनिट स्पेसिफिक हीट का यूनिट है जे किलोग्राम जोल के माइनस वन। मोलर हीट कैपेसिटी ये वो हीट ऑब्जर्व करता है जिसमें टेम्परेचर 1 मोल सब्सटेंस और 1 डिग्री में कन्वर्ट होता है। और सी एम ये सी हमारे साथ स्पेसिफिक हीट है, और एम मोलर हीट कैपेसिटी है, ये डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एन ज़रबे डेल्टा टी एन डेल्टा टी। और मोलर हीट कैपेसिटी इसका यूनिट है किलोग्राम जोल मोल माइनस वन और किलो माइनस वन। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट कैपेसिटी हमारे साथ इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें हीट सप्लाइड होता है एक सिस्टम में और वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं होता, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और ये हमारे साथ सी वी ये हमारे साथ कांस्टेंट और वी वॉल्यूम है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हमारे साथ ये आ गया सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाई डेल्टा टी। और हमारे साथ डेल्टा क्यू जो है ना, डेल्टा क्यू हमारे साथ डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी का बराबर होता है, और हमारे साथ ये आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा ई, और लास्ट में हमारे साथ आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और सेकंड पे हमारे साथ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमारे साथ ये सिस्टम ऑब्जर्व करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसको हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। यानी ये हमारे साथ एक सिस्टम है जो जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, और इसको हम कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। और ये हमारे साथ इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है सी पी, यानी सी हमारे साथ कैपेसिटी है और पी प्रेशर है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हमारे साथ इक्वेशन 1 आएगा, और डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये सेकंड इक्वेशन है। और लास्ट में हमारे साथ आएगा सी पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हमारे साथ इसका आंसर होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो लाइक करें। थैंक्स।